asalaamu As alaikum students i am your principal course teacher ms anika sajidja from university of education bank road campus lahore for this major subject painting thesis and your course code is fine 4125 first we will see the contents of major thesis project which is your practical based subject thesis should represent a significant body of independent creative work ऑब्वियसली आप जो एक आपका जो थीसिस होगा वो पोर्ट्रे करेगा एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर आपने जो काम बनाया होगा इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स और इन अदर आर्ट फॉर्म्स स्टूडेंट्स विल बी फ्री टू चूज़ एनी टॉपिक ऑफ पेंटिंग आप लोग अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट आइडियाज़ आप जो हैं सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और जो सा आइडिया आपको या सुपरवाइज़र को ज़्यादा जो है लगेगा कि उसमें डेवलपमेंट हो सकती है उस पर रिसर्च हो सकती है तो आप उसके साथ म्यूचुअली सुपरवाइज़र की ओपिनियन से उसकी सेटिसफेक्शन से आप उसको आगे कॉन्टीवू करोगे द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन एंड डिफेंड द कंसेपचुअल फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस ऑफ द मेजर थीसिस वर्क एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम ऑबवियसली uh, आप लोग जो हैं अपना जितना आपने बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट किया होगा जितना आइडिया आपने उसमें पोर्ट्रे uh, किया होगा उस आइडिया uh, को आप डिफेंड करेंगे बाय गिविंग डिफरेंट रेफरेंसेस ऑफ अदर आर्टिस्ट वर्क एज वेल और जो आउटकम्स होंगे उनको भी आप डिफेंड करेंगे आपके थीसिस के टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद स्पेसिफिक वर्किंग फॉर्मेट एंड गाइडेंस ड्यूरिंग प्लानिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ द थीसिस एग्जिबिशन आपका आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे अबाउट द फॉर्मेट वर्किंग फॉर्मेट किस तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है डेडलाइंस uh, को मीट करना है और आपने किस तरह से प्लान करना है और प्रिपरेशन करनी है अपने थीसिस के लिए एग्जिबिशन के लिए सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर थर्टीन जिसमें आपका जो असाइनमेंट है

बट इट विल बी अ कम्प्लीट आइडिया बेस्ड पेंटिंग एंड इट विल बी मार्क्ड एज वेल सो आपका जो थीसिस का आइडिया है जिस पे आप काम कर रहे हो उसी से रेलिवेंट तो ये आपने असाइनमेंट करनी है बट इसमें ये है कि इट विल बी मोर कंटेम्प्ररी तो उसके लिए आपको जो है मीडियम भी जो है वो कॉन्सेप्टी देखने पड़ेंगे और यूज़ करने पड़ेंगे so today we also discussed the, about the different uh, contemporary pakistani artists and uh, the first artist which we are going to discuss in this lecture is a female artist, uh, huma mulji. and uh, through mixed media sculpture, often featuring taxidermy animals and toys, photographs, drawings and paintings, huma mulji explores the history and contemporary society of her home country. So. होमा uh, मलजी जो आर्टिस्ट हैं शी मोस्टली यूज टू पेंट और फ़ोटोग्राफ डिफरेंट क्रिएचर्स एनिमल्स टॉयज और वो फोटोग्राफ्स भी करती हैं मीडियम्स जो हैं उसमें ड्राॅइंगस भी हैं पेंटिंग्स भी मिलती हैं और जो एक्सप्लोर करती हैं वो हिस्ट्री को और अपनी जो सोसाइटी है और जो होम कंट्री है उससे रेलिवेंट जो है हमें कॉनोटेशन मिलते हैं इनके काम में रनिंग थ्रू हर वर्क आर एसोसिएटेड थीम्स

रियलिटी uh, जो है वो आपको फैसिनेट भी करती है अपील भी करती है बट एट द सेम टाइम वो आपको uh, जो है uh, अजीब भी लगती है ठीक है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी जो है वो प्लेजेंट ही हो पॉजिटिव ही हो और uh, आपको बहुत जो है पॉजिटिविटी ही उससे जनरेट हो आपकी रियलिटी जो है वो हॉन्टिंग uh, भी हो सकती है बट आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है सो so, जैसे हम इनके काम में देख सकते हैं दैट देर वायर्स और इलेक्ट्रिक वायर्स हमें नज़र आती हैं और उसके साथ जो लिजट्स हैं और बहुत हमें ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि आ, हमारे घर से ही कोई वो जो है आ, कोई कॉम्पोजिशन ली गई है कोई एरिया वॉल का क्रॉप कर लिया गया है बिकॉज इस तरह के जो सीन्स हैं वो हमें आ, हमारे सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं दिस इज़ नॉट समथिंग सुपरफिशल और आ, आउट ऑफ द रियलिटी सो रियलिटी बेस्ड काम है तो हमें चीज़ें भी ऑब्वियसली जो हैं हमारी रियलिटी से, से ही हमारी सराउंडिंग से ही हमारी डेली लाइफ से ही मिलेंगी तभी हम उसके साथ जो है व्यूवर रिलेट कर सकते हैं सो so, जैसे कि हम लिजर्ट्स को देख रहे हैं वाइट्स को देख रहे हैं तो तकरीबन हर चाहे आप किसी भी कंट्री में मूव कर जाएँ चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाएँ आप माइग्रेट कर जाएँ अपने घर से भी दूर हों बट ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको आ, कहीं ना कहीं आप उसको फेस कर ही लेते हो आपको ये नज़र आती ही हैं तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको आ, हर जगह नजर आएंगी चाहे आप अपने घर पे हैं या नहीं हैं चाहे आप डिफरेंट जगहों पे हैं बट आप इससे रिलेट कर सकते हैं दिस इज समथिंग लाइक दिस उसके बाद एक और आर्टिस्ट है बाय द सेम एक और आर्ट वर्क हमें नज़र आता है बाय द सेम आर्टिस्ट हिना मुलजी शी हैज़ एक्सप्रेस सच एन आउटलुक थ्रू वर्कस इंक्लूडिंग अरेबियन डिलाइट जो ये आर्टवर्क आपको नज़र आ रहा है इसका जो टाइटल है वो अरेबियन डिलइट है और जो ये टू थाउजेंड एट है इसमें ही इस ईयर में ये कंप्लीट हुआ है फीचरिंग अटेक्सडर्मी कैमल क्रैम्प्ड इन टू अट केस इट रिप्रजेंट्स द अनइजी मिक्स ऑफ अरेबिक मुस्लिम साउथ एशियन एंड हिमालन कल्चर्स डेट करेक्टराइज पाकिस्तान टूडे सो आर्टिस्ट ने जो है इंटेंशनली कैमल को ही जो है वो चूज़ किया है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया बिकॉज कैमल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट डेजर्ट्स में और जो है मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ एक रिलेशन बनता है कैमल्स को यूज़ भी किया जाता रहा हिस्ट्री में अगर हम देखें सो so, उस चीज़ को रखते हुए माइंड में आर्टिस्ट ने जो है वो कैमल को लिया और इट इज़ कम्प्लीटली स्टफिंग स्टफ़्ड एनिमल स्टफ़्ड कैमल और उसको एक हमने बॉक्स के अंदर और स्पेशली वो इट इज़ दैट काइंड ऑफ बॉक्स जो आप अपने स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड जैसे आपके संदूक होते हैं पुराने जिसके अंदर आप अपनी पुरानी चीज़ें जो हैं वो आप रख देते हैं और उसको काफ़ी अर्से के बाद जो है आप उसको देखते हैं तो वो एक तरह से आपकी मेमोरीज बन जाती हैं तो आर्टिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक अमेलगमेशन को एक मिक्सचर जो हमें नज़र आता है Uh, जो हमें पाकिस्तान में एक डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट स्कूल्स स्कूल ऑफ थॉट्स नज़र आते हैं और uh, उस चीज़ में जैसे कि हमें अरेबियन uh, और मुस्लिम्स और साउथ एशियंस ये डिफरेंट कल्चर्स हमें नज़र आते हैं तो उस चीज़ को जो है uh, वो जो हमें एक अन अनइज़ी मिक्स मिलता है एक स्मूथनेस नहीं मिलती हर एक का एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है अपनी थॉट के अंदर अपनी आइडिया के अंदर तो वो जो कॉन्ट्रोडिक्शंस नज़र आते हैं थाट्स में कल्चर्स में वे ऑफ लिविंग में तो वो उस चीज़ को जो है आर्टिस्ट ने इस तरह से दिखाया है कि एक कैमल है और वो इतना अनईजी और अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है कि उसको इतना uh, जो है वो टेंगल्ड है फंसा हुआ है और उसको आप बॉक्स में उसको स्टफ़ कर रहे हो उसको आप ज़बरदस्ती उसको डाला जा रहा है उसके अंदर उसके बाद जो हमारे पास आर्टिस्ट हैं दर इज़ राशिद राना Rashid Rana is a very famous uh, contemporary international artist. Uh, Rashid Rana is internationally recognized. And his work from Mohata Palace, Mohata Palace Museum affirms the artist's multi layered concepts and contents. In fact, it is the formal device of duality, uh, combining micro pixels with macro pictures, uh, a significant aspect of his art. और ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसका टाइटल है रेड कारपेट वन और इट वाज क्रिएटेड इन 2007 एंड uh, राशिद राना के जो काम का जो स्टाइल का करेक्टरिस्टिक्स है जो क्वालिटी है वो यही है कि वो माइक्रो पिक्सलेट जो है uh, पिक्चर्स को यूज़ करते हैं माइक्रो पिक्सल्स को और उसके साथ एक जो है बिग पिक्चर क्रिएट करते हैं और जैसे कि अभी कारपेट देख रहे हैं आपको अभी देखने में तो कारपेट लगता है दूर से कि एक रग है और इसमें कोई इतना uh, कोई स्पेशल बात नहीं है देर इज़ नथिंग फैसिनेटिंग अबाउट इट इट जस्ट सीम्स एज इट इज़ अ कॉमन कारपेट और रग बट वेन यू गो क्लोज टू दिस रग और कारपेट और यू लुक इन डिटेल यू कैन सी डिफरेंट माइक्रो पिक्चर्स और माइक्रो इमेज ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशंस जिसमें आपको ब्लड शेड भी नज़र आता है और आपको डिफरेंट uh, जो है ना टोटली डिफरेंट आपको एक आइडिया नज़र आएगा वैन यू गो क्लोज टू द टू दार्पेट दूर से तो आपको एक कॉर्पेट नज़र आता है बट आप जब करीब जाते हो तो आपको डिफरेंट ब्लड शेड भी नज़र आ रहा है और डिफरेंट अपोजिट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो इतना ईजी नहीं होता ग्रेस्प करना माइंड के लिए कि एकदम से शॉकिंग आपको लगता है कि जब आप दूर थे आपको दूर से आ, कुछ और इमेज मिल रहा है बट जब आप क्लोज चले जाते हो तो टोटली आपको एक डिफरेंट एक कॉन्ट्रोडिक्ट्री इमेज देखने को मिलता है तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट करता है राशिद राना के काम के अंदर ड्यूअलिटी ऑफ बेसिक पिक्टोरियल सब्सटेंस दैट रेंजेस फ्रॉम द चेंज ऑफ स्केल टू द नेचर ऑफ़ विजुअल्स Uh, with contrast, like Indian heroes and their Pakistani admirers, audience, classic abstract canvases, and commercial signboards in Urdu, and miniature painting and advertisement billboards, moves beyond being a formal element and turns into a conceptual aspect. So, अगर आप क्लोजर व्यू लो तो कुछ हमें इसमें नज़र आते हैं डिफरेंट सेलेब्रटीज़ हमें नज़र आते हैं बॉलीवुड uh, बॉलीवुड के भी और यहाँ पाकिस्तान के पाकिस्तानी सेलेब्रिटीज़ नज़र आते हैं और एक डिफरेंट ही हमें आइडिया नज़र आता है और वो जस्ट आर्टिस्ट जो है वो उन कलर्स के साथ प्ले करते हैं पिक्चर्स तो होती हैं बट उसमें स्पेसिफ़िक कलर्स देखना कि वो जब आप क्लोज जब आप दूर से देखेंगे तो उसको वो क्या आइडिया जनरेट करेगा वो कैसा विजुअल प्रोड्यूस करेगा तो आपको बड़ा चूजी ही होके उसको सेलेक्ट करना पड़ता है एक अपने ईच पिक्चर को अपने इंडिविजुअल पिक्चर को आपको बहुत सोच समझ के जो है वो चूज़ करना पड़ता है कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा वैन यू आर गोइंग टू तो लुक इट फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस सो यही बात हो रही है कि जो स्केल है आ, वो बहुत फैसिनेटिंग एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है आ, इन द आर्टिस्ट वर्क और हमें एक डलिटी नज़र आ रही है दो तरह की दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं एक तो कॉन्सेप्ट के अंदर भी ड्यलिटी है जो हमें नज़र आता है और एक विजुअल के अंदर भी ड्योलिटी है क्योंकि हम जब करीब जाते हैं तो कुछ टोटली डिफरेंट इमेजेस हैं जब हम दूर जाते हैं तो टोटली totally कुछ और इमेज बनता है और कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो उसमें ड्यलिटी नज़र आती है हमें द डिवाइड ऑफ अर्बन एंड रूरल अ डे इन द लाइफ ऑफ लैंडस्केप टू थाउजेंड फोर परसेप्शन ऑफ ईस्ट बाई द वेस्ट एंड द रियलिटी एंड इट रिप्रजेंट एंड इट्स रिप्रजेंटेशन कैन बी रिपीटली seen in the actuality of our existence so so there is another artist abdullah m i sayed the flying rug sculpture series is an ongoing investigation is an ongoing investigation of contemporary art within the framework of capital politics migration and consumption of power. The US dollar bills are folded into paper planes to form an Islamic geometric pattern rug. So, the title of the artwork is Flying Rug. And carpets and rugs hold cultural, traditional, and religious importance in Islamic societies like Pakistan, famous for its handmade rugs, which are major export products. The name Flying Rug refers to the Arabian tales of magic carpets, and the shadows on the wall suggest an oriental dream. This dream, specifically for many Muslim men in Pakistan and in the Middle East, translates into migration from the East to West for security, peace, and a better financial future. So, as you can see, there is a close up of the same artwork, which is Flying Rug so this is the end and uh, i hope you have understand uh, about the contemporary art and uh, according to that you will do your given assignment thank you